हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक जड़िया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों टेक जड़िया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो कोरल ड्रॉ के ऊपर लेकर आया हूं, क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कोरल ड्रॉ कैसे चलाते हैं, उसको सिखाइए, उसके बारे में बताइए मुझे। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कोरल ड्रॉ के बारे में बताऊंगा और उसके एक एक डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, उसमें डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसका टूल्स कैसे यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी देख सकें। और दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कि आप लाइक करेंगे तो ही मेरा वीडियो बनाना सफल होगा। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या, आपको कोरल ड्रॉ ओपन करना है, और कोरल ड्रॉ ओपन करने के बाद आपको न्यू पेज लेना है इस तरह से। और न्यू पेज लेने के बाद आप इसको जो है पोर्ट्रेट कर लें यहाँ से। उसके बाद आप अगर पेज अगर इसमें साइज़ अगर कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ वाले ऑप्शन में आप जाकर जो भी आप पेज लगाना चाहें, जैसे कि A4, तो A4 यहाँ पे लगा लें। और A4 लगाने के बाद आपको स्टार्टिंग क्या करना है, अब सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको टाइपिंग से बताऊँगा, जो मेरी ये फर्स्ट वीडियो है वो टाइपिंग के ऊपर से। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट टूल में जाएंगे और टेक्स्ट टूल में जाने के बाद आप टाइप करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने ये टेक जलिया टाइप किया, तो आप इस तरह से टाइप करेंगे तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे हेडिंग आपको टाइप करनी तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं, और इसका टाइप करने का दूसरा ऑप्शन भी। तो यहाँ से देखिए बी वाला जो ऑप्शन था ऊपर, मैंने उससे इसको बोल्ड कर दिया, बी वाले ऑप्शन से बोल्ड होगा, और उसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। उसके बगल में आप देखिए तो अंडरलाइन वाला ऑप्शन है, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बगल में ऑप्शन देखिए तो इटैलिक वाला है, इटैलिक कर लीजिए। अब ये ऑप्शन ऊपर ही आपके बने हुए हैं टूल्स में, इस तरह से आप इसको जो भी शेप देना चाहें कर सकते हैं। अब करना क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। और कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है अब देखिए कि यहाँ पे जो दोनों हमारी जो लाइनें हैं इसकी पैरा की जो है बीच की जो गैपिंग देख रहे हैं, इसको बढ़ाना या घटाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आपको जो है ऊपर जो है देख रहे हैं टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें आप जाएंगे टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप आएंगे, और आने के बाद जो है यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन दिख रहे हैं, वर्ड वाला दिख रहा है, लैंग्वेज दिख रहा है, करेक्टर का दिख रहा है, लाइन का। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 100 है, तो आप यहाँ से इसको स्पेसिंग जो है इसकी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 100 थी, 100 से ज़्यादा करेंगे तो स्पेसिंग इसकी लाइन की बढ़ जाएगी, और 150 कर देते हैं, देखिए कितनी बढ़ गई। अब इसी को उसी ऑप्शन में जाकर हम इसको जो है वही नॉर्मल वाले जो है 100 पे कर देते हैं, और इस तरह से इसको फिर से वहीं पे ले आते हैं। अब हम फिर उसी ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो इसकी जो लेटर्स की जो स्पेसिंग है, जैसे कि ये 100 है, हम इसको 50 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओके कर दिए, ये टेक और जलिया के बीच की स्पेसिंग देखिए कम हो गई। अब इसको हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ये देखिए कंट्रोल जेड मैंने कर दिया तो ये फिर नॉर्मल वही 100 पे हो गई। अब ये तो आप इस तरह से इसको टाइप कर सकते हैं, अगर सिंगल लेटर आपको ज़्यादा लेटर अगर टाइप नहीं करना है, कम टाइप करना है, तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। अब इस तरह से आप वही पैरा वाले जो है कर्सर से जो है टेक्स्ट टूल से जो है आप इसको इस तरह से फैला लेंगे और इसे एक पैरा बना लेंगे और वहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। अब पैरा बनाने में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कई लाइनें टाइप करनी है, A4 के ऊपर टाइप करनी है या लेटर्स पर टाइप करनी है, तो उसके लिए आपको पैरा बनाना पड़ेगा। तो पैरा बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसमें जो है आप टाइप करेंगे तो आप टाइप करते जाइए। तो यहाँ पर ये देखिए बड़े लेटर हैं, आप छोटे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने काफ़ी बड़े लेटर लगाए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ये है, यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट दिए हुए हैं, सेंटर दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया, तो देखिए ये सेंटर हो गया। अब हम मैं लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जाके मैं राइट करता हूँ तो राइट हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं पुल वाले ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ पर ये देखिए अब जो साइड में आप देख रहे हैं राइट साइड में देखिए जलिया वाला जो हमारा जो लेटर है वो वहाँ पे मिल गया जाके। अब आप टाइप करते जाएंगे तो वहाँ पे वो गैप खाली नहीं रहेगा, वो मिल जाएगा वहाँ पे। इस तरह से आपका पैरा जैसे किताब वताब टाइप होती है तो इसी तरह से टाइप होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाया है, सिर्फ इसलिए बनाया है कि मेरी पहली वीडियो है, मैं सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको टाइप कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी। अब अगर मैं फॉन्ट साइज़ छोटा करना चाहूँ तो सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, ये फॉन्ट साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। आप अगर बढ़ाना चाहें, घटाना चाहें, जो भी करना चाहें तो इस तरह से बढ़ा घटा सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट लगाना है, जो भी स्टाइलिश लेटर लगाना है, जो जो भी लगाना है आपकी बुक के हिसाब से, जो भी आपको टाइप लगाना है वो आप यहाँ टाइप लगा सकते हैं। तो गाइज़
ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये मैंने इसी पर्पज से बनाई है कि मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं जो है वीडियो आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं और मैं आपको ऐसे हिसाब से वीडियो इस पे बनाऊंगा वीडियो कि जो आप आसानी से समझ सकें और उसको आप खुद भी कर सकें, सीख सकें और डिज़ाइन करना भी आराम से आप सीख जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये मेरी पहली वीडियो टाइप के ऊपर थी कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी देख सकें। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मेरा वीडियो बनाना सफल होगा दोस्तों। और दोस्तों ये भी मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप लोग ये इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मैं बनाऊँ। ये मेरा वीडियो चैप्टर वन है, अगर आप लोग कहेंगे तो ही मैं आगे बनाऊँगा। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आएगी ये वीडियो तो मैं फिर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कोरल ड्रा सीखना चाहते हैं तो मैं ये वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।